that's just my point of view. हेलो गाइस, वेलकम बैक। रिसेंटली मैं काना की ट्रिप पे गया था। जिन्हें नहीं पता, काना एक नेशनल पार्क है। वहाँ पे आप जंगल सफारी और वाइल्ड एनिमल्स को काफ़ी करीब से देख सकते हो। तो काना में मैंने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक की कैनन 55-250 mm लेंस का यूज़ करके, और जो मेरा कैमरा था कैनन 1200D उसका यूज़ करके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 55-250 mm लेंस से आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हो या नहीं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको बिहाइंड द सीन्स इस लेंस से क्लिक की हुई फोटोज और वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो ये है काना के घने जंगल। जैसे ही आप काना में एंटर करोगे तो आपको काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो कि हैं साल ट्रीज। हम टोटल 6 लोग बैठे थे एक जिप्सी में। जब हमने ये सफारी स्टार्ट की तब सुबह के 6 बज रहे थे, और सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई कुछ वाइल्ड बोर से जो कि एक ओपन एरिया में घूम रहे थे। तो मैंने अपना यहाँ पे कैमरा निकाला और डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एक बोर की फ़ोटो क्लिक करूँगा, जो कि अपने ग्रुप से अलग था। तो आपको फोटोज़ इस क्लिप के बाद देखने को मिलेंगी। तो आपको ये जो बीच में वीडियो दिख रही है, ये भी मैंने 55-250 mm लेंस का यूज़ करके ही बनाई है। तो अगर आपको इस लेंस से क्लिक की हुई और भी इमेजेस देखना है, जो कि मैंने काना के ट्रिप पे क्लिक की और उन्हें यहाँ पे पोस्ट नहीं किया क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थी नहीं, तो उन फोटोज़ को आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा करके देख सकते हो। तो अब वो मोमेंट था जिसके लिए हम मेन काना आए हुए थे। हमने स्पॉट की एक टाइग्रेस जिसका कोड नेम था T31 और उसका नाम था छोटी मादा। तो मैंने यहाँ पे 55-250 mm लेंस का यूज़ करके कुछ फ़ोटोज़ तो क्लिक की, बट इसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे मैं उसके कुछ क्लोजअप शॉट्स नहीं ले पाया, और एक्चुअल में वो टाइग्रेस भी हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो आप यहाँ पे कैमरे की स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं 10x करता हूँ तब हमें वो टाइग्रेस स्पॉट होती है, और जैसे ही वो 10x हटता है तब वो टाइग्रेस काफ़ी ज़्यादा दूर लगने लगती है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने 55-250 mm लेंस से क्लिक किए हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी मैंने 55-250 mm लेंस से क्लिक की है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो टाइग्रेस कितनी ज़्यादा दूर थी। अब आप कुछ यहाँ पे फोटोज़ चेकआउट कीजिए। तो अब टाइम हो चला था गोल्डन आर का। आप राइट साइड में देख सकते हैं सन को राइज होते हुए। ये आर मेरा फेवरेट आर है फोटोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि जो गोल्डन लाइट्स होती हैं वो फोटोज़ पे अलग ही लेवल की फिल्टर डाल देती हैं। तो अब थोड़ी ही आगे चलने के बाद हमें एक स्पॉटेड डियर दिखा, जो कि लाइट कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पे था, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई 55-250 mm लेंस का यूज़ करके। तो आप जो बीच में वीडियो देख रहे हैं वो भी सेम लेंस से बनाई है, और उसी लाइट कंडीशन में मुझे एक जैकल भी दिखा, तो उसकी भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। तो करीब करीब आधे घंटे चलने के बाद हमें एक ऐसा स्पॉट दिखा जहाँ पे हमें खूब सारे बाइसन खड़े हुए देखने को मिले। वो एक वाटर सोर्स के पास खड़े होकर के पानी पी रहे थे। तो हमारे ड्राइवर भैया ने यहाँ पे गाड़ी रोकी और मैंने 55-250 mm लेंस का यूज़ करके वो जो सबसे दूर बाइसन खड़ा है उसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। तो आपको यहाँ पे इस क्लिप के बाद वो फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद हमें एक रोड क्रॉस करता हुआ चीतल दिखा। तो ये वो प्लेस है जहां पर हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और कुछ ब्रेकफास्ट किया। तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपको ये फ़ोटोज़ पसंद आती हैं या आप फ़ोटोज़ से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे उन फ़ोटोज़ के बारे में बता सकते हैं। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं एक चीतल अपने एक फ़ोन के साथ बैठा है, यानी अपने एक बच्चे के साथ बैठा है। इस वीडियो को भी मैंने 55-250 mm लेंस से शूट की है। आपको कुछ फ़ोटोज़ इस क्लिप के बाद देखने को मिल जाएंगी। तो अब कुछ बर्ड्स की इमेजेस जो कि मैंने 55-250 mm लेंस का यूज़ करके क्लिक की है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है और आप एक बिगनर हैं तो आप ज़रूर इस लेंस को परचेज कर लें।
तो इन दी एंड अगर आपको ये वीडियोस और फोटोज पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है @avinash27p। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।